हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब यार। आप लोगों को पता ही होगा, ये जो है ना गमला, इस फ्लावर पॉट में सेंटर फ्रेश दफन है, 6 महीने बाद निकलेगी, तो देखते हैं उसका क्या होता है। बट आज जो हम वीडियो में करने वाले ना, वो ये। अब हुआ क्या यार, ऐसे ही एक रैंडम मैं मॉल में गया था, नीचे में मिला स्टोर। अब उस स्टोर पे चला गया, बहुत सारी अलग अलग चीज थी, वहां पे मुझे मिला ये। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे मिस्टर DIY लिखा, ये कोई यार प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ जेब से पैसे खर्च करके हम खरीद के लेके आए। अब ये बड़ा सस्ता लगा यार, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम 300-350 इसका प्राइस, जब मैंने देखा ना वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा था, वरना अगर इसका मैं MRP दिखाऊं तो देखो यहाँ पे लिखा 590, यानी ये जो है ना ये 600 रुपये यहाँ पे लिख रहा, बट मुझे 300 या 350 के आसपास में मिल गया था। इसे लाइव में मुझे 15 से 20 दिन या लगभग 1 महीना हो गया। तो अब इसे देखते हैं खोल के कि ये जो है ना ये वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम जो है ये ढंग से काम करता है या नहीं करता। अगर सच में ऐसा है ना कि ये वाटर को प्योरीफाई कर दे, तो मैं कह रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होगी इतने सस्ते में। जहाँ वाटर प्योरीफायर इतने महंगे आ रहे हैं, ये हमें सस्ते में मिल जाए तो क्या दिक्कत है। अभी देखो बॉक्स में बस इतनी सी चीज़ निकलती है, डिब्बा हो गया देखो खाली। और अगर बॉक्स दिखाऊँ, बॉक्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहा, देखो यहाँ पे लिख रहा है ये रहा सिरेमिक कार्ट्रिज वाटर फिल्टर, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाटर प्योरीफायर ये रहा। और यहाँ बस इसे टंकी में लगाना और सीधा पानी आ जाएगा, जो अंदर का होगा वो साफ हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ये रहा। और क्या क्या हटाता है, ये रस्ट हटाता, जंग है, कीड़े हैं, पैरासाइट है, डर्ट है, ये इतनी सारी चीज़ें जो है इन सबको हटा देता है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो अगर मैं आपको बताऊँ, देखो इसमें बस ये है मेन सिस्टम जो है ना इसका पूरा का पूरा ये है। अगर मैं इसको खोल के दिखा दूँ तो यहाँ क्या है, जो जो चीज़ खुल पाएगी मैं वो खोल दूंगा। ये देखो ये नॉर्मल टंकी जैसा, जैसे टंकी में होता है ना एक जाली होती है, तो वही है कि यहाँ पे जाली दिख रही होगी आपको। और अगर इधर दिखाऊं ये टूट जाएगा, ये सिर्फ ऑन ऑफ करने का, ये रहा ये सिर्फ ऑन ऑफ करने का। और ये ऐसे ही घूमता है क्योंकि इसके ऊपर कनेक्टर लगेगा, ये वाला ये लगेगा और ये यहाँ पे ऐसे टाइट हो जाएगा, ये हो गया टाइट। तो इसको सीधा सीधा हमने कस लिया। अब क्या करना है, इसको सीधा टंकी में लगाना और कस देना। टंकी के साइज कैसे हैं, छोटे बड़े हैं, तो इन्हें लगा के हम उसको फिट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे अडेप्टर से दिए हुए, और इसको मैं वापस यहीं पे लगा देता हूँ। और जो मेन फिल्ट्रेशन है ना, यहाँ पे देखो वाटर प्योरीफायर लिखा है, वाटर प्योरीफायर जो लिख रहा है, सारा फिल्ट्रेशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे होगा। तो मैं इसको भी खोल के देख लेते हैं अंदर क्या है। ओहो, तो देख, अरे यार ये तो बज रहा है, ये देखो इसमें से आवाज़ आ रही है। ये बढ़िया था गुरु। तो इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ है। तो ये देखो, ये है ना, ये मेन सिस्टम है जो वाटर को फिल्टर करता है, क्योंकि जब हम फिल्टर करते हैं तो यहाँ से पानी आएगा। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो ये टंकी में लगा और यहाँ से पानी आ रहा है। तो हम भी इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका पानी का TDS नापेंगे। नॉर्मल टंकी में लगा तो फिर उसके बाद देखते हैं नॉर्मल टंकी का TDS कितना है, इसमें से आने के बाद TDS कितना है। और एक चीज़ और चेक करेंगे कि पानी जो आ रहा है ना वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो अपना वो जो सोल्यूशन रहता है ना उसे डाल के पता चलेगा कि वो येलो कलर का हो रहा है, ब्लू कलर का, ग्रीन वगैरह जो भी है। तो इसको सीधा टंकी में लगाते हैं। तो अब आ गए हम अपने किचन में, और किचन में देखो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये क्या है, ये टाइट करने के लिए, इसको हम परमानेंट लगाएंगे तो, बट हम परमानेंट, अच्छा इससे पहले यार एक ग्लास पानी भरना जरूरी है। जब भी तो हम पानी कंपेयर करेंगे तो एक नॉर्मल पानी में भर रहा हूँ। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये तो वैसे ही पहले ही काफी टाइट आ रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये देखो यहाँ से पानी आना शुरू हो गया, और अगर इसे ऐसे कर दूंगा तो यहाँ से डायरेक्ट पानी आ रहा है। ये देखो ये अनफिल्टर्ड है और इधर से फिल्टर्ड आ रहा होगा, तो देखते हैं फिल्टर्ड पानी कैसा है। तो इससे मैं आइडिया रहेगा कि जो कम वाला है वो फिल्टर्ड है और जो ज्यादा वाला है वो नॉन फिल्टर्ड है। अब इनको टेस्ट करते हैं, इनका TDS वगैरह सब मेजर करेंगे। तो ये आ गए अपने दोनों पानी, ये वाला फिल्टर्ड है कम वाला और इधर वाला नॉन फिल्टर्ड। अब सबसे पहले नॉर्मल सी चीज जो होती है ना पानी के साथ, क्या करते हैं उसको देखते हैं। अब विजिबल में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों पानी बिल्कुल बराबर लग रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको टेस्ट में क्या फर्क है। ये नॉन फिल्टर्ड बिल्कुल नॉर्मल, ये फिल्टर्ड, बट मुझे टेस्ट में यार कोई फर्क नहीं लग रहा, टेस्ट तो मुझे बिल्कुल बराबर लग रहा है। आप देखते हैं इनका TDS। तो ये रहा TDS मीटर, और TDS मीटर अब सबसे पहले डालते हैं इसमें नॉन फिल्टर्ड में। इसका TDS जा रहा है देखो 275-270 के आसपास, ठीक है 271 अभी। और इसका देख लेते हैं, ये जीरो हो गया, और ये डाला TDS 265-264, तो बहुत माइनर सा फर्क है TDS पे। अब देखते हैं pH लेवल में कितना फर्क आ रहा है। तो pH चेक करने के लिए ये रहा हमारे पास pH इंडिकेटर। अब यहाँ पे देखो पूरी की पूरी रेंज बनी हुई है,
कि अगर इधर जाएगा तो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, अगर इधर जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा मतलब। अब देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो इसमें डाल रहा हूँ मैं एक, तो ये जो है ना ये मुझे दोनों में बिल्कुल बराबर लग रहा है, दोनों बिल्कुल सेम कलर के हैं। ये रहा, कोई मुझे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, TDS वगैरह भी सब बराबर था। अच्छा एक चीज़ और चेक करते हैं कि जब हम pH इंडिकेटर डाल देते तो इनका TDS बदलता है कि नहीं बदलता। ये क्या मैंने स्कॉन, और अब देखो कितना है भाई, 263 pH उतना ही रह रहा है, pH में फ़र्क नहीं है। और इसका इसका भी अभी 260 कितना दिखा रहा है, 268, मतलब इसका ज़्यादा है, थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क है TDS पे, थोड़ा बहुत इसने कम करा होगा। तो ये जो है ना ये हमारा जो वाटर फिल्टर है ये वैसे काम करनी है कि जैसे RO काम करते हैं, TDS बहुत कम कर देते हैं। अब वो इतने एक्सपेंसिव है, बट ये क्या है अगर पानी बहुत गंदा आ रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि टंकियों में पानी कैसा आता है, मटियाला पानी आता है, मिट्टी मिक्स आती है, लाल कलर का गंदा पानी आ जाता है, तो उसके लिए तो साफ कर सकता है। अगर आप सोचो कि पूरा का पूरा उसमें मिनरल डिजॉल्व कर देगा, रिवर्स ऑस्मोसिस जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। एक नॉर्मल सा जैसे वो होती है ना स्ट्रॉ होती है, लाइफ स्ट्रॉ होती है, या हम नॉर्मल गंदे पानी को फिल्टर करते हैं कि वो पीने योग्य हो जाए, तो वैसा ये काम कर सकता है। अगर आप सोचो बिल्कुल आरओ जैसे हो जाएगा तो वो नहीं करेगा। अब एक चीज और मैं बताने वाला हूं, क्या वो जो है ना जो हमारा वाटर फिल्टर है उसको कट करके देखते हैं कि इसके अंदर है क्या ऐसा बर्बाद पहन। तो अब देखते हैं इस वाटर प्यूरिफायर के अंदर क्या क्या है। तो जितने पार्ट खुल जाएंगे उनको खोल के अलग कर लेते हैं। ये खुल गया एक, तो ये हट गया, और ये नहीं खुल रहा, इसको खोल लेते हैं। गिरा, तो मेन फिल्ट्रेशन जो सिस्टम है ना सारा का सारा इसमें है। इसमें तो हल्का सा देखो यहाँ पे कट बना हुआ है, तो इसमें से पानी सप्लाई आती है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जो भी है ना सारा का सारा यहाँ पे है, और मुझे लग रहा है इसमें चारकोल होगा, थोड़ी सी कंकड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अबे तो काफ़ी मजबूत है यार। अच्छा यहाँ से तो खुल गया, इसको देखते हैं ऐसे खुलेगा। खुल गया खुल गया खुल गया। हमें अच्छा टूट गया यार, ये देखो ये टूट गया यहाँ से। और अंदर देखो इसके क्या क्या भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे था, एक रबड़ का सील है, तो ये ऐसे लग जाता है। फिर पानी कैसे जाता है, साइड से जाता है क्या? ये ऐसे लगा हुआ था यहाँ पे, और ये ऐसे कैसे था, ऐसे। फिर पानी किधर जा रहा था, ऐसे था ना ये, तो पानी इसमें से यहाँ से सप्लाई होती थी और इधर लगता था पानी, पानी इस पर टच होता था, और टच होने के बाद इसके अंदर से जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ये फिल्टर करती थी पानी को। गिरा, तो इसके अंदर ये है, ये छोटी छोटी सी बॉल है, और ये यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि बॉल किस चीज़ की है। देखने से और फील से तो लग रहा है कि जैसे पत्थर हो। हाँ यार ये देखो, ये चारकोल की हो सकती है, ये वाइट वाली बड़ी मजबूत है, वाइट वाली नहीं टूट रही। ओह भाई साहब देखो वाइट वाली कितनी मजबूत है, टेबल में गड्ढा कर दिया इसने, देख रहे हो टेबल में डेंट आ गया, बाकी सब टूट गई, बट वाइट वाली नहीं टूट रही। ये टूट जा रही है, ब्लैक टूट रही है, पर वाइट वाली बहुत मजबूत है। तो वाइट वाली पता नहीं यार किस चीज़ की बनी है, बहुत मजबूत है, बट ये है सारी चीज़ें जो फिल्टर करती है। ये रहा, और ये भी कुछ ऐसे स्टोन जैसा है, ये रहा, तो ये भी बिखर गया यहाँ पे। ये रहा, और अगर मैं बताऊँ तो ये क्या स्टोन हो सकता है, पता नहीं यार समझ में नहीं आ रहा, कैल्शियम वगैरह किसी चीज़ का स्टोन हो सकता है। तो ये रहा, इस छोटे से नन्हे से इस दुनिया के सबसे छोटे वाटर प्योरीफायर के अंदर आपको पता चला क्या क्या है, ये छोटी छोटी बॉल्स होती है जो पानी को फिल्टर करती है। तो आज आपको एक नई चीज़ देखने के लिए मिली है। अगर चीज़ देख के ये जो नया छोटा सा सबसे छोटा वाटर प्योरीफायर है, अगर ये आपको अच्छा लगा ना तो यार वीडियो को लाइक कर दो ना, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा यार, वो तो बहुत जरूरी ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें करो सपोर्ट। आप सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा मन करेगा और वीडियोस बनाने का। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम मिलेंगे दोबारा नए वीडियो में कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम।